पहले हमने पढ़े थे मैन्योर मैन्योर जो थे वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस थे जो हमने प्लांट्स और एनिमल से ऑप्टेन किए अब हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर जो है ये मैन मेड सब्सटेंसेज हैं जो सॉइल की क्वालिटी को तो इम्प्रूव नहीं करते लेकिन जो हमारी फसल है जो क्रॉप है क्रॉप के लिए एडवांटेजेस होता है यानी कि उसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है फर्टिलाइजर केमिकल रिच इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम विच आर सॉलेबल इन वाटर अभी सोलबल है वाटर में तो एकदम से क्या करेगा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा मैन्योर के केस में क्या होता है एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होता धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है दे आर ऑफ फोर टाइप्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन में रिच होते हैं जिसमें यूरिया आ गया अमोनियम सल्फेट आ गया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट दूसरा आता है हमारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो रिच होते हैं फॉस्फोरस में इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है डाई कैल्शियम फॉस्फेट है नेक्स्ट आता है पोटेशियम रिच जो पोटेशियम में रिच होते हैं रिच इन पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम नाइट्रेट मार्केट में ना ये इस नाम से नहीं बिकते मार्केट में ये दूसरे नाम से बिक कंपनी के नाम से बिकते हैं नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र फोर्थ जो है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इसमें सब कुछ आ जाता है कंटेन एटलीस्ट टू और मोर न्यूट्रेंट्स दो या दो से ज़्यादा न्यूट्रेंट्स होंगे नाइट्रोज नाइट्रोफॉसफेट अमोनियम फॉस्फेट या यूरिया अमोनियम फॉस्फेट अब हमारे पास आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर्स कौन से ऑर्गेनिज्म विच एनरिच द दॉइल विद न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड बट बायो फर्टिलाइजर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल को एनरिच करेंगे किससे फर्टिलाइजर से उसे हम क्या कहेंगे बायो फर्टिलाइजर या फिर हम कहें न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट बढ़ा दे ऑर्गेनिज्म में उसे हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं दे आर क्रॉप स्पेसिफिक अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग बायो फर्टिलाइजर यूज के जाते हैं जैसे पल्सेज है लेग्यूम्स है ऑयल सीड है राइस है राइजोबियम है ठीक है क्लस्टर्स एंड ब्लू ग्रीन एल ये सारे के सारे के आ हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स नेक्स्ट आते हैं माइकोरेजिया इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ सर्टेन फंगाई विद रूट ऑफ हायर प्लांट जो कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं ठीक है मतलब मल्टी सेलुलर प्लांट जो उनके रूट्स में कुछ फंगस लग जाती हैं ठीक है ये फंगस की जो प्रेजेंस है ना देखो फंगस हमेशा नुकसानदायक नहीं होती ये फंगस यूजफुल होती है ये क्या करेगी जो सॉइल है या प्लांट है उसकी वाटर टेंशन कैपेसिटी बढ़ा देगा इट इंक्रीजेज वाटर एंड न्यूट्रीन अपटेक बाई प्लांट इससे क्या होगा जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा एबजॉर्ब कर सकता है, वाटर भी एबजॉर्ब ज़्यादा कर सकता है।